नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ में जहां हम हिस्ट्री को जो एक कन्वेंशनल तरीका है तीन हिस्सों में एंशंट हिस्ट्री मटीवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों हिस्ट, तीनों हिस्सों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आपने जो भी हमारे एग्जाम्स से चाहे हम एसएससी की बात करें या फिर जो भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको लेकर सारे एग्जाम्स को हम कवर करेंगे लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि हम कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे हिस्ट्री में जो एक जो रट्टाफिकेशन की प्रोसेस है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इन इन वीडियोज़ के थ्रू जो हमारा कोर्स है उसमें और क्या करेंगे उनमें आपको हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिसके थ्रू उन चीज़ों को आपको रिटेन करना आसान हो आप उन चीज़ों को याद कर सकें और एग्जाम में उस चीज़ का आउटपुट दे सकें तो आज ही वीडियो की बात करते हैं तो अगर आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकबर जो मुगल शासक अकबर थे उनके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से वो उन्होंने जो है उनकी ताजपोशी हुई क्या क्या उसमें सरकमस्टांसिस थे कौन सी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी और जो एक ये कहा जाता है कि अकबर ने जो है आ, मुगल मुगलों को जो है अगर हम कहें ना एफुलेंट यानी पैसे रिच बनाने की जो बात कहेगी कि उनको खूब कमा के दिया जो खूब कमाई हुई वो अकबर के रीजन में हुई जिसका मजा है जो इनकी आने वाली जनरेशन चाहे हम जहांगीर की बात करें या फिर उनके बाद शाहजहां की बात करें तो उन लोगों ने उठाया क्योंकि अकबर की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिस जिसकी वजह से जो है ट्रेड फ्लरिश किया इतना और उसकी उसके ट्रेड की वजह से क्या आया बहुत सारा धन आया मुगल शासन में जिसका जिसका जो फायदा उठाया जहांगीर और शाहजहां ने जो आप देखेंगे कि संगमरमर की बिल्डिंग्स बनना शुरू किया गया ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ठीक है तो अब ये किसके पुत्र थे एक तो ये हुमायूं के पुत्र थे तीसरा इनकी जो इनकी जो इनकी मदर थी उनका नाम था बेगम हमीदा बानो जो कब मिली थी अगर आपको याद हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखेगा हुमायूं को लेकर जहां मैंने आपको बताया कि हुमायूं जब एग्जाइल में थे और भारत में जो है शीर्षा सूरी रूल कर रहे थे सूर्य डायनेस्टी के तो उन उनको उस समय हुमायूं को जो है बेगम हमीदा बनू मिली थी और उन्नीस सौ सॉरी माफ़ करिएगा पंद्रह सौ बयालीस में जो है इनकी मुलाकात हुई थी अब अग, अगर आप अकबर के बारे में जानना चाहेंगे तो ऐसा था कि अकबर पढ़ाई में तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे लिखा पढ़ी में लेकिन हाँ जो भी लड़ाई झगड़ा वॉर टेक्निक्स जो होती हैं उसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ठीक है और जैसे कि हमने देखा है कि कोई भी एक शासक होगा अगर उसके अपने उसका एक प्रिय पुत्र होगा उसको वो सिखाना चाहेगा और वो अपने दिमाग में मान लेगा कि मेरे को ये मेरा ये जो पुत्र है ये मुझे आने वाले टाइम पे क्या करेगा सक्सीड करेगा या अगला राजा होगा तो वो उसको इस हिसाब से ट्रेनिंग देता है अकबर के साथ भी यही हुआ हुमायूं ने जब सुर डायनेस्टी को के जो रूलर्स थे उन सबको हराया कहां पे सरहिंद में ये याद रखिएगा हमेशा सरहिंद बैटल ऑफ सरहिंद कहते हैं जनवरी पंद्रह में इसी बैटल के बाद हुमायूं ने भारत में वापस मुगल शासन को स्थापित किया था किससे सुर डायनेस्टी से जो शेरशाह सूरी की डायनेस्टी थी उसको हराकर ठीक है तो हराया तो हुमायूं ने था लेकिन नाम किसका दिया नॉमिनल कमांडर कमांड किसको दी थी अकबर को दी थी तो ये ऐसा कहा कहने की बात थी कि भाई आ, हमको लीड कर रहे थे अकबर हुमायूं ऐसा कह रहे हैं कि हमको अकबर लीड कर रहे थे इसीलिए हमने जो है आ, ये ये जीत हमें उ, उसकी वजह से मिली है तो ये नॉर्मल सी बात है अब जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 के आसपास ठीक है तो उसमें अकबर की जो उम्र थी वो सिर्फ तेरह साल थी अब भैया मुगल गद्दी खाली तो बैठ नहीं सकती उस पर बैठना चाहिए ना कोई ना कोई जो सुल्तान होगा जो शासक होगा वो तो बैठेगा ही बैठेगा तो अकबर को जो है शहशाह अकबर के तरीके से उनकी जो है एक ताजपोशी की गई और किसकी गाइडेंस में देखिए क्योंकि बच्चा है भाई कोई ना कोई तो गाइडेंस मिलेगी मिलेगी तो एक जो उनके वफादार थे वायु के बैराम खान उनकी गाइडेंस में इनको जो है शहनशाह बनाया गया अब बैराम खान के बारे में अगर देखें तो बैराम खान वॉज द मोस्ट फेथफुल एंड मिलिट्री जनरल बैराम खान जो थे एक सबसे वफादार मिलिट्री जनरल थे जो कि हुमायूं के टाइम से उनकी आर्मी में थे और जब उनकी मौत हो गई तो उन्होंने अकबर को जो है हेल्प करना शुरू किया अब एक बैटल लड़ी कहा जाता है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है पंद्रह सौ छप्पन में लड़ी गई अकबर और हुम... और किसके बीच में हेमू के बीच में अब हेमू की कहानी मैं आपको बताऊंगा लेकिन एक्चुअली में अकबर थोड़ी लड़ रहे थे ये लड़ाई लड़ कौन रहा था ये एक्चुअली में उनके जो रिएजेंट थे यानी जो उनके केयर टेकर थे बैराम खान जो उनकी उस उसमें परवरिश देख रहे थे ये अकबर के बिहाफ पे लड़ाई को लड़ रहे थे अब इस बैटल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये कि भाई पूछ लेगा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी या किसने लड़ी तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो बैटल थी ये अकबर और हेमू के बीच में अब हेमू कौन है देखिए हेमू जो थे वो एक हिंदू शासक थे और ये जो शेरशाह सूरी के जो पुत्र थे ठीक है इस्लाम शाह उनके ये एडवाइजर थे कब से कब तक तो 1545 से लेकर 1553 तक ठीक है उसके बाद जो है ये उनके प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी रहे और प्राइम मिनिस्टर बने और चीफ ऑफ आर्मी बने इस्लाम शाह के और इन्होंने काफ़ी बैटल सड़ी तो इसी बीच में जब ये बैटल खत्म हुई सरहिंद वाली और पंद्रह के आसपास इनको जब पता लगा कि भाई हिमायू की मृत्यु हो चुकी है तो इन, इनके मन में आया कि जब हिमायू मर चुका है तो अब मैं वापस जो है एक हिंदू रूल वापस भारत में स्थापित कर सकता हूं तो उसी समय इन्होंने क्या किया था कि बंगाल बंगाल वाला जो एरिया है देखिए मैंने आपको बताया था कि जब मुगल शासन भारत में आया था तो जो भी अफगान थे उन वो वो कहाँ जाकर उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था बिहार और बंगाल वाले इलाके में ठीक है तो वहाँ भी हेमू ने क्या किया कि बंगाल में वहाँ के जो शासक थे महमूद शाह उनको उनको उनसे लड़ाई बड़ाई लड़ी उनको मार मार दिया और वहाँ से जो वेल्थ मिली जो पैसा मिला उसका यूज़ इन्होंने किया कहाँ अटैक करने के लिए दिल्ली अटैक करने पे रास्ते में इन्होंने पहले आगरा पे अटैक किया आगरा पे इनको कुछ रेजिस्टेंस मिला ही नहीं मतलब किसी ने इनको रोका नहीं तो आगरा इनके अंडर आ गया फिर ये दिल्ली में आके तुगलकाबाद के बाहर खड़े हो गए और अल्टीमेटली तुगलकाबाद भी की जो बैटल थी वो भी कौन जीत गया हेमू जीत गए और तभी जो है इन्होंने खुद को नाम दिया एक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ठीक है तो आप कह सकते हो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि भाई भारत में जो है आ, बीच में छोटे समय के लिए एक हिंदू शासक ने रूल किया था तो वो कौन थे तो वो थे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य फिर इनकी एक बैटल हुई किसके साथ अब अकबर तो उस समय जो है छोटे एरिया में थे काबुल और काबुल कंधार के आसपास अफगानिस्तान वाले एरिया में थे लेकिन जब उनको पता लगा कि भाई दिल्ली में जो है इतना अटैक चल रहा है तो वो लड़ाई लड़ने आए और वो लड़ाई कहाँ लड़ी गई वो पानीपत की ही जमीन पर लड़ी गई ठीक है तो इसे इसलिए कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इस बैटल में भी अगर आपको बताऊं तो ये बैटल हेमचंद्र जो थे काफी आराम से जीत रहे थे उनको लग रहा था कि जीत जाएंगे लेकिन तभी एक गेम चेंजर हुआ एक जो पलटीबाजी बाजी पलटी पलट गई गे गेम की कि एक तीर आके किसकी आंख में घुस गया सीधा हेमचंद्र की आंख में घुस गया और वो हाथी के ऊपर से नीचे गिर गया ठीक है और जब उनके उनकी आर्मी ने देखा कि भाई हमारा जो आ, राजा है वही नीचे गिर गया तो फिर हम लड़ेंगे किसके लिए तो एक इस कह सकते गया, कि पानी पर जो है छप्पन में लड़ी गई किसके बीच में अकबर के बीच में और हेमू के बीच में या हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में अब देखिए स्टार्टिंग के पांच साल की बात करें तो पंद्रह से 1560 तक जो है बैराम खान एज ए रिएजेंट रिएजेंट मतलब हो गया आप ये समझ समझिए कि उनकी केयर टेकर के तरीके से काम कर रहे थे और उन्होंने अच्छा काम भी किया उसके बाद लेकिन नाजमी सी बात है जब कोई किसी के इतना पास रहेगा सुल्तान के तो बाकी के जो नोबल्स होंगे जो उनके तो दिमाग में खटकेगा ना कि अरे यार एक आदमी इतना पास है हम लोग जो है अपनी बात नहीं रख पाते तो लोगों ने अकबर के कान में जो है काना फूसी करते करते गए और अल्टीमेटली जो है अकबर को उनको बोलना पड़ा कि भाई आप आप जाइए ठीक है हालांकि अकबर ने उनको ये बोला था कि आप रुक आप मतलब आप पोस्ट छोड़ दीजिए आप मेरे एजेंट मत रहिए लेकिन मतलब सल्तनत में रहिए अपना कुछ देख लीजिए मेरे आसपास पास एडवाइज़र बन जाइए लेकिन बैराम खान ने को ये पता था कि अगर वो यहाँ रहेंगे तो उनको मार दिया जाएगा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मक्का जाऊँगा मक्का मदीना करने लेकिन रास्ते में भी उनको किसी एक अफगान ने मार ही दिया उसके बाद दो साल के लिए महामंगा इनका नाम भी आपने जो अगर आपने सीरियल्स देखे होंगे या मूवीज देखी होंगी उसमें आपने इनका नाम सुना होगा महामंगा और आदम खान महामंगा के पुत्र थे आदम खान ठीक है इनके इन्फ्लुएंस में ये दो साल रहे इसलिए इंग्लिश का एक टर्म आता है पीटी गवर्नमेंट मतलब कि आप किसी और के इन्फ्लुएंस में जो है गवर्नमेंट चला रहे चलाई जा रही है ठीक है तो अकबर दो साल तक महामंगा और आदम खान के इन्फ्लुएंस में रहे अब देखिए लेकिन अकबर इतने बेवकूफ़ नहीं थे ठीक है धीरे धीरे जब इनको समझ में आने लगी समझ आई बड़े हुए इन्होंने धीरे धीरे अपनी मिलिट्री पॉलिटिकल कल्चर इकोनॉमिक डोमिनेंस हर चीज़ को बढ़ाया कैसे बढ़ाया वही अब देखेंगे ठीक है एक तो इनका था कि सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या किया कि एक इन्होंने मैरिज अलायंस एंड डिप्लोमेसी देखिए किसी भी अगर आपके पड़ोस में कोई एक ऐसा सोचे कि आप किसी देश के राजा हैं और अगर ये आप राजा हैं और यहाँ पे आपके पड़ोस में कोई एक दूसरा मान लीजिए एक राज्य है आप यहाँ के राजा है, सारे पड़ोसी है तो एक तो तरीका होता है इनको जीतने का कि आप इन पर अटैक करें और इनसे लड़ लें या फिर क्या होता है जो हमने देखा था वैदिक काल में भी ठीक है कि भाई मेट्रीमोनियल अलायंस कर लो तो अब अकबर ने क्या करना शुरू किया मेट्रीमोनियल अलायंस के थ्रू राजपूतों की बेटियों से शादी करना शुरू किया और उससे क्या हुआ उनको अपने आप ही जो उनके पड़ोसी थे जो राजपूत जो मान नहीं रहे थे जो लड़ा, लड़ाके राजपूत थे ठीक है जो अपनी आन बान शान के लिए मर मिटने को राजी थे अब उनसे इनके रिलेशन अच्छे होने लगे तो उसका फायदा क्या हुआ कि इन्होंने राजपूतों को बहुत अच्छा एक देखिए रिस्पेक्ट भी दी और उनको अपने जो इनके कोर्ट थे उसमें बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे अपॉइंट किया इससे हुआ क्या इससे जो एक फराटिज़म की जो बात होती थी ना इससे पहले कि भाई मार देंगे काट देंगे इस्लाम का प्रचार प्रसार कर देंगे अकबर ने उस पॉलिटिक पॉलिसी से एकदम यू टर्न ले लिया था ये क्या कर रहे थे ये मेट्रीमोलियो कर रहे थे ये डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे थे कैसे इन्होंने बाकी अगर इनकी राजपूत पॉलिसी की तरफ अगर हम तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इनको ये कहना था कि भाई देखो मैं तुम्हें मेरे पास इतनी आर्मी मैं तुम्हें कवर तो कर सकता हूँ तुम्हें हरा भी दूंगा लेकिन क्यों हराना है तुम एक काम करो तुम मुझे मान लो कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम अपना राज्य करते रहो बीच बीच में मुझे टैक्स वैक्स जो है देते रहना और हमेशा क्या करना अपनी एक आर्मी एक हिस्सा मेंटेन करना अपनी आर्मी का कि अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगा तो मैं तुमसे मांग लूंगा ठीक है कई राजपूत रूलर जैसे मान गए ठीक है जैसे मान के बारे में बात करते हैं मान थे देखिए मेंशन है ना, ना तो मान थे अंबर के राजपूत थे इन्हों ये मान गए तो लेकिन कई रूलर जैसे मेवाड़ के थे वो नहीं माने ठीक है तो जो मान गए उनको तो इन्होंने अपॉइंट कर दिया था हाई पोस्टों पे मनसबदारी सिस्टम के तहत अब वो मनसबदारी सिस्टम क्या आने वाली स्लाइड से पढ़ लेंगे जो नहीं मान रहे थे उनको ये उनसे ये लड़ते थे हराते थे फिर उनको कहते थे मैं आपको हटाऊंगा नहीं आप अपने स्टेट को रूल करो और बीच में बस मुझे ट्रीब्यूट भेजते रहो और क्या करना है अल्टीमेटली थोड़ी सी आर्मी मेंटेन करके रखना ठीक है अब इसका फायदा भी ये ले रहे थे क्योंकि भाई आपने मेट्रीमोनियल आ, कर लिया है तो आप पे कोई अटैक भी नहीं करेगा तो देखिए जितना राजपुताना वाला रीजन है चाहे वो अजमेर वाला हो ये मालवा वाला हो ठीक है ये सब जो है इन्होंने कवर किया और धीरे धीरे जो ये आपका बैमानी बैमानी किंगडम किंगडम वाला एरिया था वहां तक ये पहुंच चुके थे अब यहाँ पे बस नीचे ये अहमदनगर देखिए बेदार बीजापुर गोलकंडा बेरार यहाँ पे कहीं है खानदेश इन्होंने कवर कर दिया था तो सोचिए छोटे से एरिया से इन्होंने धीरे धीरे फैलाना कितना फैलाया और कैसे फैलाया लड़ाई तो लड़ी लेकिन मेन था डिप्लोमेसी राजपूतों के के साथ जो उनकी पॉलिसी थी मेट्रिकोनी की वो बहुत कारगर आई अब हुआ क्या अकबर मैरिड राजपूत प्रिंसेस डॉटर ऑफ राजा भारमल ठीक है फॉर फोर जनरेशन राजनी सर्व प्रिंस मिलिट्री जनरल तो मतलब भाई राजपूत जो है उनके यहाँ उनकी पे एज अ बहुत हाई पोस्टों पे अपॉइंट हुए जैसे उन्होंने राजा मानसिंह थे अंबर के उनको अपॉइंट किया राजा भगवान दास थे बहुत सीनियर पोजिशन पे अपॉइंट किया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये दिखाया भी कि भाई उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं ऐसा नहीं कि बस उनको अपनी अपना राजा बन, ये बुलवा ले कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम जाओ ऐसा नहीं था ठीक है तो उनको अच्छी अच्छी पोजिशन पर भी अपॉइंट किया तो उससे क्या मिल रहा था कि भाई आ, और राजपूत भी इसमें दिमाग लगा रहे थे क्यों क्योंकि एक चीज को मैं आपको छोटी छोटी यहाँ पे समझाता हूँ देखिए अल्टीमेटली यहाँ बैठा हुआ शासक क्या चाहता है उसको गुजरात और बंगाल अपने पास चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि यहाँ से ट्रेड होता है अगर आप यहाँ से जाएंगे तो पूरा यूरोप अफ्रीका ईरान पर्शिया वाला एरिया सब कुछ जाता है यहाँ से होगा तो ये पूरा आपका सिल्क रूट चाइना वाला म्यांमार इंडोनेशिया तो ये तो ये कवर अब किसी को दिल्ली से यहाँ आना है तो उसको राजस्थान के जो राजपूत आना वाला एरिया वहाँ के पास होकर आना ही पड़ेगा इसीलिए राजपूतों इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अकबर की पॉलिसी थी ना वो इतनी एफिशिएंट थी इतनी बढ़िया थी राजपूतों की तरफ कि उनको ट्रेड करने में बहुत आसानी मिली आराम से सामान यहां उतरता था यहां से यहां जा रहा था तो ट्रेडिंग जब ट्रेड बढ़ेगा तो टैक्सेस बढ़ेंगे टैक्सेस बढ़ेंगे तो खजाना बढ़ेगा अब हुआ क्या ज्यादातर राजपूत तो मान गए लेकिन जो राणा थे ना कहा के मेवाड़ के वो नहीं माने इस चीज के लिए तो अल्टीमेटली उनकी लड़ाई हुई पंद्रह में मुगल आर्मी जो थी राणा प्रताप को उन्होंने बेट्रॉफ हल्दी घाटी में हराया लेकिन वो उनके पकड़ में नहीं आए वो लड़ते रहे अपनी लड़ाई लेकिन जब राणा प्रताप हार गए तो बाकी के जो राजपूत जो सोच रहे थे कि हम अपोज़ करेंगे उनका भी छड़ा हौसला हौला टूट गया उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मान लेते हैं और उन उसमें उनका फायदा भी हुआ कई जगहों पे ठीक है इसके बाद अकबर ने एक चीज़ जो और अच्छी करी ना अब उनको ये पता था कि भाई मैं, मैं अगर हिंदू या राजपूत की तरफ अगर मैं इतना रुझान दिखा रहा हूँ तो जो पहले के टैक्सेस लगाए गए थे जैसे पिलग्रिमेज टैक्स अगर कोई कहीं जो है घूमने घामने अगर किसी भगवान की जगह पे आप यात्रा के लिए जा रहे हैं उस पर जो टैक्सेस लगाए गए थे पिछले रूलर्स द्वारा उनको हटाया उसके बाद उन्होंने जजिया हटाया अब जजिया हटाने का कारण उन्होंने दिया कि भाई जजिया की जो एक्चुअली में जजिया का कॉन्सेप्ट ये है कि वो नॉन मुस्लिम जजिया देंगे जिनको जिनको मुस्लिम आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है लेकिन अकबर ने यह कहा कि भाई मेरी आर्मी में तो सारे लोग हैं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुस्लिम प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रोटेक्ट तो हिंदू भी कर रहे हैं तो फिर जजिया किस बात कर देंगे ये लोग तो उन्होंने इसीलिए जजिया को समाप्त कर दिया अब आप नोटिस करिए जितना भी कौन जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि सुल्तान का उसको एक काम उसका यह भी होता है कि उसको इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है लेकिन यहाँ जो काम हो रहा था ये उसके अपोजिट हो रहा था तो नाजमी सी बात है इनके जो उलेमाज थे वो नाराज़ हो रहे होंगे कि भाई आप तो इस्लाम इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के बजाय दूसरी जगह अडॉप्ट कर रहे हैं ये डिफरेंस था अकबर में अकबर इस चीज़ को, अकबर ने इन लोगों को जो है ना बहुत कंट्रोल में रखा ये जो उल्लेबास है ना इन लोगों को कंट्रोल में रखा इन लोगों ने कहा कि भाई जो जो डिसाइड करूंगा रिलीजन के ऊपर वो मैं डिसाइड करूंगा ठीक है तो इस एरिया तक यहाँ पे अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो इस एरिया तक ये वाला एरिया भी इनके पास रखे तो गुंड छोड़ दीजिए इतना ही है यहाँ से ठीक है अब मैंने आपको बताया इनकी रिलीजियस पॉलिसीज तो है नाम ही इनका इतना फेमस इसलिए इनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी वो डिफरेंट थी इनकी जो हिंदू वाइफ थी उनको उन्होंने कहा कि भाई आपको अपने जो इन भगवानों की पूजा करनी है वो करिए इसके अलावा इन्होंने एक इबादत खाना बनवाया अपनी जो इनकी कैपिटल थी न्यू कैपिटल फिरोज फतेहपुर सीकरी आगरा के पास पड़ती है ठीक है वहाँ पर एक बिल्डिंग बनवाई इन्होंने इबादत खाना मतलब हाउस ऑफ वर्शिप्स और वहाँ ये डिफरेंट स्कॉलर्स मतलब यही नहीं था कि मतलब भाई सिर्फ रिलीजियसली टॉलरेंट थे लेकिन ये सीखना चाहते थे ठीक है तो डिफरेंट स्कॉलर्स से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के चाहे क्रिश्चियनिटी हो हिंदुज़्म हो जैनिज्म हो जो राष्ट्रीयज़म हो इन सारे के सारे धर्मों के लोगों को ये बुलाते थे और उनसे बात करते थे ताकि जाने की भाई कि भाई किस धर्म में क्या बातें क्या कही गई हैं इसीलिए उन्होंने अपने जो उलिवास थे ना उनको भी कहा कि भाई मेरे पॉलिटिकल मैटर्स में तुम नहीं बोलोगे और इसको कैसे बोला कि फिफ्टीन सेवेंटी नाइन में इन्होंने एक एक डिक्री निकाली एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी रिलीजियस राइट पावर है ना वो मेरे पास है ना कि इन उलेमास के पास तो जो मैं कहूंगा रिलीजन के बारे में वो ठीक होगा और इसका असर हमें देखने को मिला तीन साल बाद जब इन्होंने एक नया धर्म ही बना दिया दीन इलाही ठीक है अब दीन इलाही एक्चुअली में क्या था इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे क्योंकि इबादत खाने में बैठते थे लोगों से बातें सुनते थे कि भाई हमारे धर्म में ये अच्छा है हमारे धर्म में वो अच्छा है तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके धर्म में जो अच्छा है ना वो सब मैं अडॉप्ट कर लेता हूं कहीं आपसे पिक किया कुछ आपसे पिक किया और अल्टीमेटली एक धर्म मैंने बनाया जिसका नाम मैंने दिया दीने इलाही अब दीन इलाही में सारी बातें वही हैं कि भाई अच्छे अच्छे धर्मों की सारी बातें कही गई हैं लेकिन ज्यादातर इसमें क्योंकि हिंदुज्म इतना बड़ा धर्म है तो ज्यादातर बातें उसमें से आएंगी ठीक है तो इन्होंने कहा किया कि जैसे सन को अपना सिंबल अडॉप्ट कर लिया वर्शिपर ऑफ द क्रिएटर ठीक है एक तो सिंबल की तरह अडॉप्ट किया उसके अलावा कुछ चीजें इन्होंने जो कही कि भाई फॉरबेड मतलब है गौ हत्या और उनका उनका जो है मांसाहार खाना गलत था तो ये बोल के इन्होंने क्या किया हिंदुज्म से उठाया इन इंडियंस ये बात तो हर धर्म कहता है कि भाई सब बराबर है इंस्टीट्यूटेड वर्कशिप ऑफ सन एज क्रिएटर मतलब जो है सूर्य को जो है एक क्रिएटर की तरह पूछा गया ठीक है कि जो रचिता होता है उसकी तरह सूरज सूरज की पूजा की जाए ठीक है इनकॉपरेटेड सिकरेट फॉर अडोन अब पारसीज में जो है एक पूज्य आग होती है फायर होती है उसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया ठीक है फिर हवंस की बात कही गई तो आप देख रहे हैं बेसिकली ये करके आ रहे थे अब सोचने वाला तो ये भी सोच कह सकता है कि भाई देखो इन्होंने खुश करने के लिए लोगों को किया हो लेकिन किया तो कुछ कुछ तो काम किया अब इन अब ये लेकिन ये जो इनका धर्म था ये अडॉप्ट कौन करेगा नाजमी सी बात है इनके चेलो चपाटी जो इनके आसपास रहते थे तो कौन थे फैजी अब्दुल फैजल बीरबल और कुछ लोग जो इसको फॉलो करते थे बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ा अभी कौन थे आने वाली स्लाइड में देखते हैं अब बात करते देखिए लैंड रेवेन्यू की लैंड रेवेन्यू इतना जरूरी है इनके लिए या किसी भी शासक के लिए क्यों क्योंकि देखिए पैसा आना है और मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अकबर किया ही जो कमाया धमाया था उसी का मज़ा किसने उठाया जहांगीर और शाहजहां ने उठाया ठीक है कैसे उठाया वो देखते हैं इनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ना वो बहुत अच्छा था कैसे जो राजा टोटरमल थे उनकी उनके हिसाब से उनकी हेल्प से इन्होंने एक ऐसी एक सिस्टम निकाला लैंड रेवेन्यू का जिसका नाम दिया गया जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम या दहशाला सिस्टम 1580 में निकला था ये तो नाम देखे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे चाहे वो जब्ती बोल दे चाहे वो बंदोबस्त सिस्टम बोल दे या दसाला सिस्टम बोल दे ठीक है अब रेवेन्यू कैसे फिक्स किया गया मान लीजिए ये मैं आपको यहाँ पे बक्से बना देता हूँ पाँच ठीक है तो अब इन्होंने क्या किया कि जो दस साल की प्रोडक्शन थी ना एक जमीन की उसका एवरेज निकाला और उसके हिसाब से जो इन्होंने लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया और ऐसा नहीं था कि जमीन सारी एक ही टाइप की थी इन्होंने हर जमीन को जो है अलग अलग हिस्सों में बांटा मतलब कैटेगरी थी जैसे क्या कैटेगरी थी ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो यह तो समझ में आ ही गया बंदोबस्त सिस्टम की भाई दस साल का एवरेज जो पैदावार थी उसका एवरेज निकाला दस साल का ठीक है और उसको बोला कि भाई इतना इसका आप हमें कुछ परसेंटेज दोगे ठीक है अब जो जमीन थी लेकिन अब कोई जमीन बंजर होती है कोई जमीन अच्छी होती है तो कैसे बांटा गया वो चार हिस्सों में बांटा गया एक होती है पुलाज जिसे हम जिसे ये लोग क्या कहते थे हर साल कल्टीवेट हर साल उसमें जो है कुछ ना कुछ उगाया जाता था एक होती थी परौती परौती में क्या हुआ कि हर दो साल में कुछ ना कुछ उगाया जा रहा है एक होती है चा चाचर ठीक है चच्छर बोल दीजिए कुछ भी बोल लीजिए ये तीन या चार साल में इसमें कुछ ना कुछ उगाया जाएगा एक है बंजर जिसको पाँच साल या उससे ज्यादा में बाद कुछ उगाया जाए मतलब बंजर जमीन जनरली उनमें कुछ उगता ही नहीं है घास फूस और कैक्टस एक्ट्रेस के अलावा ऐसे झाड़वाड़ के अलावा ठीक है तो ये चार टाइप आपको याद होनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी है पुलाज परौती छाचर और बंजर ठीक है और जनरली पेमेंट जो होती थी वो कैश में होती थी भाई उसमें कार्ड तो चलते नहीं थे तो पेमेंट तो कैश में होगी ये थोड़ी है कि आ अकबर जी आओ जो है पेटीएम कर देते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट था नहीं तो कैश की पेमेंट थी अब आते हैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था ठीक है इसके बारे में आप आने वाली बहुत सारी स्लाइड्स में पढ़ते रहेंगे बार बार ये नाम आता रहेगा आपके सामने मनसबदारी सिस्टम अब मनसबदारी था क्या मनसबदार मनसब तो मनसब जो डीएम है, है, होता है ठीक है और अकबर ने क्या किया था इसी मनसबदारी सिस्टम के तहत ही राजपूतों को बहुत हाई पोस्ट दी थी तो अब इसमें क्या होता है इसमें मनसब के दो काम होते हैं मनसब में अगर आप देखेंगे इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है जात एक होती है सवार जात जो होती है ना वो आपका पर्सनल रैंक है इस रैंक जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी मतलब किसी की सबसे कम रैंक होगी तो टेन होगी ठीक है और किसी की हाईएस्ट सबसे ज्यादा होगी तो पांच हजार होगी ठीक है अब देखिए द प्रिंसिस ऑफ रॉयल ब्लड रिसीव द हाइस्ट रैंक्स तो जिसको जो प्रिंस होगा क्योंकि नाजमी सी बात है वो बहुत स्पेशल है तो उसकी उसकी ज़ात यानी उसकी जो रैंक होगी यहाँ पे जो मनसब होगा वो बहुत ज़्यादा होगा उसमें भी उसके ज़ात बहुत ज़्यादा होगी ठीक है एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया अब मनसब जो है दो चीज़ों से बनती थी मैंने अभी आपको बताया एक तो ज़ात से और एक सवार से यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो मनसब की बात कर रहे हैं और मनसब प्रिडोमेंटली जात से ही गवर्न हो रही है सवार का मतलब ये है कि जिस आदमी की जिस आदमी की बात की जा रही है उसको जितना मनसब दिया जा रहा है उसमें वो कितने घोड़े मेंटेन करेगा तो जात होगी पर्सनल दूसरी चीज और इससे क्या होता था पर्सनल स्टेटस फिक्स हो जाता था पर्सन का मतलब अगर कोई बहुत अच्छा कोई ये समझ लीजिए जैसे बीरबल है तो बीरबल की जो जात होगी बहुत ज्यादा होगी मान लीजिए चार हजार के आसपास होगी ठीक है अगर कोई नॉर्मल आदमी है उसकी हो सकती है सौ तो ये इंपॉर्टेंस भी दिखा रहा है बीरबल बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी सैलरी इसके हिसाब से होगी ये जात हो गई लेकिन सवार का कॉन्सेप्ट क्या मनसब में सवार का मतलब होता है द नंबर ऑफ कैवलरी मैन अ पर्सन हु रिक्वायर टू मेंटेन इसका मतलब ये है कि एक सवार को कितने घुड़सवार मेंटेन करने होंगे सवार रैंक का मतलब ये कि उस आदमी को कितने अपने, अपने अपने पास जो है घुड़सवार मेंटेन करने होंगे जिसको बाद में अगर शासक चाहे तो अपने पास बुला सकता है ठीक है मान लीजिए किसी अगर बीरबल की रैंक है चार हज़ार और उसकी उसकी अगर हम सवार की बात करें तो उसकी सवार है पाँच सौ ठीक है हेपोथेटिकल फिगर है मतलब मान लिया गया है तो ये जो है जो ज़ात है ना ये तो बीरबल का क्या डिसाइड कर जाएगा कि उनको सैलरी कितनी मिलेगी और वो उनका स्टेटस क्या है लेकिन ये जो फाइव हंड्रेड ना ये बीरबल के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि उनको पाँच सौ घोड़े घुड़सवार गोड़ अपने पास मेंटेन करने होंगे तो अब जो भी सवार है उसके पास बैर मिनिमम दो तो मेंटेन उसको करने होंगे अब दो से ज़्यादा वो कुछ भी कर ले तो मनसबदारी सिस्टम सोन में आया तो इसी मनसबदारी सिस्टम में ही राजपूतों को बहुत हाई मनसब दिए गए हाई बहुत हाई रैंक दिए गए किस लिए ताकि उन, जो है उनको वो खुश रखना चाहते थे क्यों क्योंकि भाई राजस्थान वाला इलाका जो है वो गुजरात के एकदम रास्ते स्ट्रेट में पड़ता है अगर गुजरात से ट्रेड करना है तो आपको क्या करना होगा राजपूतों को खुश करना ही होगा तो इसी का फायदा उठाया था किसने राज अकबर ने और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं राजपूत मैं अपनी पॉलिसी में कुछ चेंज करूंगा और मैं राजपूतों की अपीजमेंट करूंगा एक इंग्लिश का वर्ड है अपीजमेंट उनको खुश रखूंगा उनसे मैं डायरेक्टली नहीं लड़ूंगा क्यों क्योंकि भाई राजपूत जो है एज एक अ वॉरिंग वारे, एक ट्राइब है उनसे आप जितना लड़ सकते हो उतना लड़ लो आ, आपका नुकसान है उनका कोई नुकसान नहीं है ठीक है अब सारी बात हो गई अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की ठीक है क्योंकि हमने ये जान लिया कि भाई उनका सिस्टम कैसा था लैंड रेवेन्यू कैसा था जो मनसबदारी सिस्टम वो कैसा था लेकिन इसके अलावा अकबर जो थे वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर मतलब जो है ये आर्ट और कल्चर के बहुत बड़े मुरीद भी थे ठीक है इन्होंने अपने पास बहुत सारे पोएट शायर सिंगर बहुत अलग अलग टाइप के आर्टिस्टों का जो है जमावड़ा रखा हुआ था जो इनके फोर्ट्स थे पैलेसेस थे दिल्ली में वो सब आप देखोगे तो बहुत अलग लेवल के बनाए गए हैं या फिर अगर आप फतेहपुर सीकरी कभी जाने का मौका मिले तो देखिए बहुत अच्छी जगह है बहुत सुंदर बनाया गया है ठीक है अल्टीमेटली इनके पास जो है नौ रतन कहा जाता है कि इनके जो कोर्ट था जो उसमें नौ रतन नाइन ज्वेल्स रखे मतलब नाइन ज्वेल्स नाम दिया गया था नौ लोग थे वो कौन कौन से थे थे एक तो बीरबल अब इनका असली नाम मालूम होना चाहिए महेश दास ठीक है तो ये आपको मालूम होना चाहिए महेश दास इसके अलावा मिया तानसेन गाना बजाने वाले अबुल फैजल जिन्होंने एन अकबरी क्रोनोलॉजिस्ट जो क्या लिखते थे लेखक थे ये उन्होंने एन अकबरी लिखी है किसके बारे में अकबर के बारे में फैजी इनके भाई कोर्ट पोएट थे ये ये पोएम्स लिखते थे महाराजा मान सिंह तो आर्मी कंसल्टेंट थे ही फ़कीर उदयदीन सूफी सिंगर मुला दो प्याजा मतलब जैसे बीरबल थे इनके एक सलाहकार वैसे ही मुला दो प्याजा भी थे टोटरमल के बारे में मैंने आपको भी बताया कि इनके फाइनेंशियल कंसेप्ट जो है कंसल्टेंट थे उसके बाद एक ये नाम अब्दुल रहीम खान खां देखिए ये भाई साहब जो थे ये एक्चुअली में ये राइटर थे हिंदी दोहे लिखते थे और ये किसके बेटे थे बैराम खान के ही बेटे थे अच्छा ये खाने खा के भी एक कहानी है कि बैराम खान को ही नाम टाइटल दिया गया था खानों में से खान खान एक्चुअली में मिलिट्री टाइटल है ठीक है तो कई जगहों पर आपको को कोई किसी का नाम शाह नजर आएगा बाद में वो खान हो जाता है तो कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा खान वो एक मिलिट्री टाइटल है तो इनको खानों खान खाने खा का नाम दिया गया था मतलब कि मिलिट्री में भी सबसे सुपीरियर सबसे बढ़िया अगर कहते हैं अगर कोई लड़ाका है तो वो ये थे कौन बैराम खान तो वहीं से इन्होंने जो है नाम उठाया अब्दुल रहीम ने उनके बेटे ने अब्दुल रहीम खान खा ये क्या लिखते थे दोहे लिखते थे अब आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं मैंने अभी आपको बताया कि भाई आगरा की तरफ और फतेहपुर सीकरी की तरफ बहुत अच्छा आर्किटेक्चर बनाया इन्होंने ठीक है तो जिसको बहुत एलिगेंटली एड्रेस किया गया और ट्रेडिशनल हिंदू एलिमेंट्स उसमें दिखते हैं जैसे उसमें कुछ है उसमें आगरा फोर्ट फिर आपका अलाहाबाद फोर्ट जा मस्जिद बनाई है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा और टॉम ऑफ सलीम चिश्ती अभी सलीम चिश्ती वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने क्यों बनाया ये मैं आपको बताता हूँ क्यों क्योंकि इनको पुत्र नहीं हो रहा था तो अब इन्होंने क्या किया सूफी संत जो थे सलीम चिश्ती उनकी, उनकी उनकी शरण में गए और और इनके आशीर्वाद से इनको पुत्र हुआ और इनके नाम पे ही उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा सलीम ठीक है तो देखिए ये है आगरा फोर्ट कई लोगों को कई लोग जानते हैं घूमने भी गए होंगे जो नहीं गए हैं प्लीज़ घूमा करिए भारत में बहुत कुछ है घूमने के लिए कभी समय मिलेगा जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे अच्छे अच्छे पदों पर पहुँच जाएंगे तो जरूर थोड़ा जो है भारत की इकॉनमी को भी थोड़ा हेल्प करिए घूमें इन जगहों को सबको बस पड़ा है कि मालदीव्स घूम के आएंगे देखिए ये है आपका अलाहाबाद फोर्ट में बहुत सुंदर जगह है मैं बहुत बार गया हूँ यहाँ पे ये है जामा मस्जिद कहाँ की फतेहपुर सीकरी की इसके अलावा जो

रूल था वो ख़त्म कैसे हुआ इसके बारे में देखते हैं मतलब इतना बड़ा शासक मरा कैसे तो आप हंसेंगे पन सोलह सौ सो पाँच में क्या हुआ तिरसठ साल की उम्र थी इनको बहुत तगड़ी जो है दस्त लगी और ये उससे उभर नहीं पाया और इनकी मृत्यु हो गई इनको जो है फिर आगरा में ही गाड़ दिया गया इनकी जो कब्र थी वो आगरा में ही डाल दी गई ठीक है लेकिन अगर इनके रूल की बात की जाए जो इनकी ड्यूरेशन थी ना उसने इंडियन हिस्ट्री में बहुत कुछ नया दिया क्योंकि पहली बार देखा गया कि अगर सब मिलजुल अगर काम करते हैं तो किस तरीके से जो है ना चीजें आप सोसाइटी ऑन होल कैसे डेवलप करती है ठीक है अब इसलिए कहा गया कि इनके टाइम पे जो मुगल शासन था वो ट्रिपल हो गया साइज में भी और पैसे में भी और इसके अलावा इनकी जो इनकी पॉलिसीज जो थी चाहे आप मनसबदारी सिस्टम ले लीजिए या फिर इनका जो का सिस्टम था जमीन लैंड रेवेन्यू का वो भी इतना इफेक्टिव था कि उसकी वजह से क्या मिला इनको बहुत ज्यादा पैसा आया ख्याति मिली और अल्टीमेटली जो सोशल रिफॉर्म्स और तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन्होंने स्टार्ट किए थे उसके उसका फ़ायदा किसने उठाया इनकी आने वाली जनरेश ने जो कि कौन थे जहांगीर और शाहजहां तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में तो आज के लिए इतना ही आशा करता हूँ कि आज अकबर के बारे में हमने जो भी पढ़ा वो समझ में आया होगा ठीक है तो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू